यथारूप की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं हम पिछले कुछ सप्ताहों से। पृष्ठ संख्या 26 है और इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ना आरंभ करेंगे हम आज। शब्द हैं, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए, अगर आपके पास गीता की कॉपीज हैं तो निकाल लीजिए। तो आरंभ करते हैं। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। बहुत ही आंखों को खोल देने वाले वाक्य हैं ये कि भौतिक जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हम कठिन संघर्ष करते हैं और आध्यात्मिक जीवन को पाने के लिए, प्रगति करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करना चाहते। प्राय ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये अपने आप मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। अगर ऐसा ही विचार रखेंगे तो फिर भौतिक जीवन के लिए भी हम ऐसा नहीं सोचते कभी। वहां तो हम मेहनत करते हैं, योजना भी बनाते हैं, चिंता भी करते हैं। कुछ नहीं होता तो फिर बहुत सारा काम ऐसा करेंगे कि जिससे वो कार्य संपन्न कैसे भी कर तो हो। तो फिर जब भौतिक जीवन के लिए हम इतना परिश्रम, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, करते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए हम उतने चिंतित क्यों नहीं होते कि ये आयु बढ़ती जा रही है लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन को ना समझ रहे हैं, ना जान पा रहे हैं, इस समय को व्यतीत करते जा रहे हैं बस हम। तो इसका अर्थ है कि हमें लगता है कि आध्यात्मिक जीवन मेरे जीवन में क्या योगदान देगा, इसके होने ना होने से मुझे फर्क क्या पड़ेगा। अब पैसे के नहीं होने से तो फर्क पड़ता है, भौतिक सुविधाओं के नहीं होने से फर्क पड़ता है, हमारे मेंटेनेंस पे, हमारी प्रिजर्वेशन पे फर्क पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन अगर नहीं पालन करूं या नहीं सीखूं तो उससे क्या अंतर पड़ना है। मेरे ब्रेड एंड बटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पालन में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, तो फिर क्यों आवश्यक है ये हमारे जीवन के लिए। तो एक तरह से हमने इसके महत्व को ही नहीं आज तक समझा है। जिस दिन हम इसके महत्व को समझ जाएंगे, हम सब कुछ त्याग के अपना पूरा जीवन इसमें समर्पित कर देंगे। तो इसीलिए हमारे समस्या का कारण है इसके महत्व को ना जान पाना। तो इसे अज्ञानता कहते हैं और कलयुग के जीव हम अभागे हैं कि जन्म से हमें इसका महत्व कभी समझाया नहीं जाता। जैसे दक्ष प्रजापति थे तो ब्रह्मा जी ने मनु का निर्माण किया, प्रजा का निर्माण करने के लिए सृष्टि के आरंभ में, और मनु ने दक्ष प्रजापति का निर्माण किया कि आपको जिम्मेदारी दी है, अब आप प्रजा बनाओ, इस पृथ्वी को बसाओ। तो उन्होंने 10,000 संतानों को जन्म दिया, 10,000 पुत्र। अब ये 10,000 पुत्रों को जब वो बड़े हो रहे थे तो दक्ष प्रजापति ने निर्देश दिया कि अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, विवाह करोगे, संतान करो और इस तरह से प्रजा बढ़ाओगे, लेकिन उससे पहले जाओ तपस्या कर कर आओ। तो ये वैदिक जीवन शैली है। तो वो जाते हैं तपस्या करने और रास्ते में उनको नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी पूछते हैं आप लोग किधर जा रहे हो। तो वो कहते हैं हम तपस्या करने जा रहे हैं। क्यों करोगे तपस्या, उसका लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हो तपस्या करके, फिर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे।
तो नारद जी कहते हैं मुझे तुम मूर्ख लगते हो सबके साथ। बोला क्यों? बोला अरे तपस्या तो इसलिए की जाती है ताकि हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें, और शुद्ध क्यों करें जीवन को? ताकि हम मुक्ति प्राप्त कर सकें, और तुम तो तपस्या करके ग्रस्त जीवन में फंसने जा रहे हो, इसलिए तुम मुझे मूर्ख लगते हो। तो नारद जी का इन 10,000 दक्ष प्रजापति के पुत्रों से संवाद हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि कभी घर वापस नहीं लौटेंगे, वो सब के सब तपस्या करके मुक्ति पाके भगवत धाम चले गए, कोई भी वापस नहीं गया। तो दक्ष प्रजापति सोचते रहे उनको भेजा था वापस क्यों नहीं आ रहे अभी तक ये, और बाद में पता चला नारद जी ने ऐसा काम कर दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि जिस दिन हम महत्व जानेंगे उस दिन हम सब कुछ त्याग कर इस रास्ते में चल पड़ेंगे, हम एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करेंगे अपने जीवन का। तो हम उतना ही अभ्यास कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन का, या हमारा कमिटमेंट या हमारी शरणागति इस मार्ग पे उतनी ही है जितना हम इसके महत्व को आज तक जाने हैं। और अगर हम इसे अपनी दो प्रकार की हमारे जीवन में ना सूची रहती है लिस्ट, एक को हम कहते हैं ऑप्शनल लिस्ट, ऑप्शनल समझते हैं कि मतलब करें या ना करें विचार है बस मन में, करो तो ठीक है नहीं करो तो ठीक है जैसे। और दूसरी होती है हमारी नेसेसिटी की लिस्ट, नेसेसिटी का मतलब होता है करेंगे नहीं तो मरेंगे, जरूरत मतलब जिसे कहते हैं आवश्यकता। तो नेसेसिटी में हम कहते हैं जी पैसा कमाना नेसेसिटी है, ठीक है कि नहीं, क्या कहते हैं आप? गलत कह रहा हूं कुछ? नेसेसिटी है कि नहीं है? नेसेसिटी है। घर का होना आवश्यकता है कि नहीं है? आवश्यकता है। तो कई सुविधाएं ऐसी हैं जो आवश्यकता की कैटेगरी में आएंगी आपके जीवन में। लेकिन ऑप्शनल में हम क्या रखते हैं? ऑप्शनल मतलब जिनको चुनाव करें कि करो तो ठीक नहीं करो तो कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ने वाला है। भक्ति को भगवान को हमने ऑप्शनल कैटेगरी में डाला है, ठीक है समझ में आएंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आते तो क्या जाता है अपना, वो ऑप्शनल कैटेगरी है, वो नेसेसिटी कैटेगरी नहीं है हमारे जीवन की। तो इसीलिए हम सब उसी के लिए काम करते हैं दिन रात जिसके महत्व को हमने अपने जीवन में जाना है। तो चंद्रमा पे जाने के लिए मनुष्य इतना संघर्ष कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को पाने के लिए वो उसका 50% भी नहीं करता, छोड़ दो जी 50 तो 5% भी नहीं करता। और यही है हमारी समस्या का कारण। तो भले ही हम जाने कि आध्यात्मिक जीवन में आने से हमको शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन हमने आज तक इसके महत्व को ठीक से समझा नहीं। और इसीलिए भगवद गीता प्रस्तुत की गई है कि हम इसके महत्व को इस जीवन में रहते रहते जाने। साधारणतः लोग कोई मर जाते हैं घर में तो फिर उस घर में गीता पाठ करते हैं, अगर उसके जीवित रहते किया होता तो उसको बहुत लाभ मिला होता, उसके मरने के बाद पाठ करते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण कहता है कि 13 दिन तक मरने के बाद आत्मा उसी स्थान पर रहती है, तो इसलिए विधान है वो 13वीं मनाते हैं कि अभी तो शॉर्टकट का जमाना है, कलयुग तो टाइम नहीं लोगों के पास, तो वो 13 दिन तक का विधान है कि उस स्थान में कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, गीता पाठ होना चाहिए, क्योंकि उस जीव की आसक्ति है उस घर से, तो वो इसको सुन सुन के शुद्ध होता है। और हम भी, क्योंकि हमारी भी अटैचमेंट है उस व्यक्ति से, हम भी उसको सोच सोच के रोते हैं कि चले गए चले गए चले गए, तो दोनों को लाभ मिलता है, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को ही। तो अभिप्राय है कि जीवन में अगर रहते रहते पढ़ लें इसे सीख लें तो फिर कुछ अलग ही परिणाम पा लेंगे हम अपने जीवन में। आजकल तो आपने भी शायद देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू के साथ प्रेयर रूम्स बनाते हैं, देखा है आपने कभी? वो प्रेयर रूम्स क्यों बनाते हैं? बोले अभी जब डॉक्टर काम नहीं करेगा तो ये रूम में जाओ जब डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगी तो ये रूम में जाओ, अब दवा नहीं अब दुआ काम करेगी उधर जाओ तो अगर हम ये जो गीता भी एक प्रार्थना ही तो है, भगवान गा रहे हैं इस गीत को, बोल रहे हैं भगवद गीता, अगर जीवन रहते रहते जिए पालन करें
तो फिर ऐसी परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ेगा? जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे पापों के कारण हमारे जीवन में कई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में, मुझे आज एक व्यक्ति कह रहे थे कि बैठे बिठाए उनके जीवन में बिना किसी कारण के कोर्ट केस आ गया, किसी ने उन्हें जबरदस्ती फंसा दिया। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, ये जो कोर्ट केसेस हैं, ये हमारे कर्मों के परिणाम हैं। इसे कहते हैं हम प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है कि जो बीज आपने बोया फसल बन गई वो, तो कोर्ट केस उसमें से एक है। दूसरा बताते हैं लाइलाज बीमारियां, ऐसी कई लाइलाज बीमारियां, ट्रीटमेंट ही नहीं होता, जाते रहो कितने डॉक्टरों के पास, कुछ भी ट्रीटमेंट करते रहो, लगे रहो, होता ही नहीं है जी। इसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। तीसरा कहते हैं कुरूप शरीर, जन्म से ही कुरूप है, यह भी पाप के परिणाम के अंदर आता है। अत्यधिक निर्धनता, ये भी पापों का परिणाम है। तो ये सारे प्रारब्ध हैं हमारे जीवन के, जो हमें वर्तमान जीवन में मिलते हैं पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फल स्वरूप। लेकिन अब मानो कि ये सब हो रहा हो हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं बात कि कर्म का नियम चल रहा है हम सबके साथ। तो इसीलिए ये जो प्रशिक्षण है आध्यात्मिक जीवन का, ये कोई मरने के बाद नहीं पढ़ा जाना चाहिए उसके लिए जो चला गया, ये तो जीवन जीते जी पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और प्रहलाद महाराज तो स्पष्ट कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल की उम्र से आपको जो है आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान सीखना चाहिए। अब 5 साल की उम्र से बच्चों को कंप्यूटर तो सिखाते हैं हम, लेकिन कहां कोई माता पिता 5 साल के बच्चों को प्रयास करते हो गीता के श्लोक याद दिलाने के लिए उन्हें, किधर? वो तो मोबाइल फोन दे देते हो कि बेटा मेरा दिमाग मत खा, मोबाइल अब खेल दो अपना वीडियो गेम, बस तो चुप हो जा, पकड़ मोबाइल, खेलता रहा वीडियो गेम, बस बोलना नहीं अब कुछ भी। वो कहां उसके साथ बैठ के गीता को पढ़ाते होंगे, उसे सुनाते होंगे, गीता के श्लोक याद कराते होंगे। तो अगर ये निवेश ही नहीं करेंगे तो फिर वो कहां आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब वो बड़ा होगा और वो सदाचार का व्यवहार करेगा, सज्जन जीवन जिएगा, नैतिकता का जीवन जिएगा, जब बीज ही नहीं बोए हमने उसके, उसके बीज ही नहीं डाल। अब जब उसकी सीखने की उम्र है तो हमने उसे मोबाइल दिए, लैपटॉप दिए, हमने टीवी दिया उसको, तो जब सीखने की उम्र है तो हम ये देते हैं, और जब हम उससे अपेक्षा करते हैं कि इसका व्यवहार आचरण अच्छा होना चाहिए, तब वो किधर करेगा ऐसा व्यवहार। तो इसीलिए, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझते ये कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए। आप दूसरे को तो तब समझाओगे ना जब पहले खुद समझोगे, जब खुद नहीं समझोगे तो फिर किसी दूसरे को सब। कभी कितने माता पिता मेरे पास आते, बोले हमारे बच्चे को समझाओ, क्या समझाओ, बहुत क्रोध करता है, इतना जिद्दी है, कुछ नहीं मिलता तो उठा उठा कर पटक पटक के चीजें फेंकना शुरू कर देता है, संभलता ही नहीं है, हमसे इतना शैतान है, क्या करता है। तो मैं उन्हें पहले बोलता हूं, उसको समझाने से पहले मुझे तुम्हें समझाना है कुछ। जब तक आप नहीं सीखोगे आपका बच्चा कभी नहीं सीख सकता। इसीलिए ये तो बात सर्वविदित है कि एक बच्चा देखकर सीखता है ज्यादा बजाय कि सुनकर, वो देखकर ज्यादा सीखता है, वो जो आपको करता देखता है वो करता है। जैसे अभी साधारण आप देखो, मुझे अपेक्षा है कि आप सब हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग होंगे, तो जो परिवार में संस्कृति होती है वही बच्चा अपना लेता है। सब लोग अगर मंदिर जा रहे होंगे तो बच्चा भी जाता होगा, सत्संग जाते हैं तो बच्चा भी जाता होगा, परिवार के सभी लोग सुबह रात 24 घंटे टीवी चलाते होंगे तो बच्चा भी चलाता है। एक माता जी बोल रही थी मेरे को कि उनका बच्चा बहुत रोता था, जन्म लिया बहुत रोता था, लेकिन टीवी में एक सीरियल आता था, जब चलाते थे चुप हो जाता था एकदम। सच बता रहा हूं आपको, एक सीरियल आता था वो चलाते थे चुप हो जाता था। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि इसी सीरियल में चुप क्यों होता है, बाकी हर समय रोता क्यों है, क्योंकि जब वो बच्चा उस माता के गर्भ में था तो वो उस सीरियल को देखा करती थी रोज। अब उसका इफेक्ट ऐसा गया उसके ऊपर कि वो बाहर आकर भी कहता था वो सीरियल दिखाओ मुझे। अब वो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन वो रो के बोलता है मुझे वो सीरियल दिखाओ, तो जब वो सीरियल लगा लेती थी चुप हो जाता था एकदम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो मां ने किया वही तो बच्चे ने किया, इसका अभिप्राय क्या है?
जो माता पिता कर रहे हैं वही तो बच्चे करेंगे। तो इसका मतलब पहले इसे किसको सीखना होगा? तीसरा अध्याय का 21वां श्लोक गीता में कहता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तद एव तरो जना। जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे वैसे सामान्य लोग उनका अनुगमन करेंगे। तो माता पिता बच्चे के लिए श्रेष्ठ हैं भाई, माता पिता बच्चे के लिए श्रेष्ठ हैं, तो अब श्रेष्ठ जैसा आचरण करेगा वैसा ही तो संतान आचरण करेगी। तो इसीलिए हम इसके महत्व को समझ ही नहीं रहे हैं। अब इसके महत्व को समझने के लिए ही ये प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था का निर्माण किया 1965 में। इसके महत्व को पूरी दुनिया को समझाने का काम किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीयों को, वो भी भारतीयों में भी हिंदुओं को, वो भी हिंदुओं में भी जो कृष्ण को परम भगवान माने उनको। गीता में तो भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पता, कि पूरा सब योनि में। अब सब योनि कितना है? तो पद्म पुराण कहती है 84 लाख योनि है। अब जब हम सेंसस करते हैं, जनसंख्या की गणना करते हैं, तो कौन सी योनि की गणना होती है? मानव की। पशुओं की थोड़ी गणना करते हैं कि इस स्पीशी के इतने पशु हैं इस दुनिया में, या इस स्पीशी के इतने पक्षी हैं, ऐसा कहां गणना होता है। तो भगवान तो कहते हैं 84 लाख योनियों की बात करते हैं, वो सिर्फ मानव की बात नहीं करते, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रद पिता, कि सब योनियों में मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो इसीलिए जब तक उनके विषय में नहीं सुने आप, जब तक उनके विषय में पढ़े नहीं आप, आप कैसे उनको अपने जीवन में जानेंगे? अपने आप नहीं जान पाएंगे। ये परिश्रम तो कम से कम करना पड़ेगा हम लोगों को कि हम उनके विषय में सुने, ऐसे स्थानों में जाएं जहां उनके विषय में हमें प्रशिक्षण दिया जाए, उन परम भगवान का संबंध दिया जाए, ज्ञान दिया जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी मेहनत आप अपने इस भौतिक जीवन को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, उतना प्रयास कहां भगवान को जानने के लिए कर रहे हो। जबकि ये भौतिक जीवन शरीर से जुड़ा है, शरीर गया तो भौतिक जीवन भी गया। आपने जो पढ़ाई की, जो विद्या अर्जित की, या फिर जो धन कमाया, जो संपत्ति अर्जित की, जो परिवार वालों को खुश करने में अपना टाइम दिया, सभी तो जाएंगे शरीर छोड़ के। शरीर छूटते ही सब जाएगा, जो शरीर से जुड़ा सब जाएगा। तो मतलब वो 60, 70, 80, 90 साल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो अगले जन्म में भी जाएगी। अब वो आत्मा जब अगले जन्म में जाएगी तो इस जीवन में जो आपके कर्म है वो साथ जाने, पैसा साथ नहीं जाना, परिवार भी साथ नहीं जाना, विद्या भी आपकी साथ नहीं जानी, लेकिन आपके कर्म साथ जाने हैं। तो जो साथ जाना है उसका तो हमने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, उसकी तो हमने हालत खराब करके रखी हुई, जो साथ जाना है। और जो छोड़ के जाना है उसके पीछे भाग रहे रात दिन। अरे वाह, बड़े त्यागी है एक्चुअली ना हम लोग, बड़ी त्याग की भावना है, पूरा जीवन इकट्ठा करते फिर सब त्याग के चले जाते हैं, इतना त्याग का भावना देखो। तो इसीलिए इसके महत्व को समझना होगा। तो आइए आगे पढ़े क्या लिखते हैं। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। क्या कहा जा रहा है? अगर आपको 50 साल जीना है, कितने लोगों को आपको विश्वास है कि आप अगले 50 साल जियोगे? आप खड़ा करो, एक भी नहीं है। अरे कम से कम तो खड़ा करो भाई, एक भी नहीं है आप में से। क्या बात कर रहे हो, सच में एक भी नहीं है? बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, बोला मैं जीऊंगा 50 साल। अच्छी बात है, कम से कम एक तो है जो 50 साल। तो देखो क्या लिखा है आपके लिए, क्या नाम है बच्चे का? कुशाग्र, कुशाग्र जी, एक मिनट खड़े हो ना कुशाग्र, खड़े हो जाओ। तो कुशाग्र अगले 50 साल जियोगे? अगले 50 साल जियोगे कि नहीं जियोगे? 50 ईयर्स, विल यू लिव नदर 50 ईयर्स और नॉट? ओके, तो आप अगले 50 साल जिएंगे। तो क्या लिखे आप, आपके लिए स्टेटमेंट है, सुन लो ध्यान से, बाकी सब नहीं जीने वाले तो बाकी इग्नोर कर दो ये बात, लेकिन ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुशाग्र आपके लिए लिखा है यहाँ पे कि अब बस आपके पास थोड़ा ही समय बचा है, ठीक है। बाकी तो ओवर टाइम में जी रहे हैं। कभी भी आने वाला बुलावा बाकियों का। आपके पास थोड़ा ही समय बचा है,
तो अब आगे का जितना भी समय बचा है वो भगवान के स्मरण में लगाना है, समझ गए बात, बैठ जाओ। तो वास्तव में आप सोच कर देखो, अरे 50 साल किधर पता, कल सुबह का नहीं पता है, यहां तो रात का नहीं पता क्या होने वाला। 50 साल की तो बात छोड़ दो ना आप, अगर आपको अगले 50 साल जीना है तो ये थोड़ा ही समय बचा है, ज्यादा नहीं बचा। अरे सोच के देखो भाई, ज्यादा समय बचा नहीं है, थोड़ा ही बचा है। अब इस थोड़े समय को कम से कम भगवान के स्मरण में तो लगाओ, जो बचा थोड़ा समय वो भी नहीं लगा रहे तो करेंगे क्या, क्या करना चाहोगे? तो इसीलिए गीता में क्या कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कले वरम, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा यह प्रयाति समद्भाव, वो मुझे प्राप्त करेगा, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, मुझे प्राप्त करेगा। इसीलिए देखो वैदिक संस्कृति बहुत वैज्ञानिक संस्कृति है, उसके अंदर जो चीज दी गई है वो बहुत तर्क संगत है, वो ऐसे ही अननेसेसरीली नहीं दे दी गई बस टाइम पास करने के लिए। देखो 100 वर्ष का मानव जीवन एस्टीमेट कहा गया है, लेकिन अभी 100 नहीं है, फिर भी चलिए समझने के लिए समझ लेते हैं, आप उसे परसेंटेज समझ लेना जो 100 साल कहा गया है। तो क्या कहा गया है, 5 से 25 साल की उम्र ये ब्रह्मचार्य का जीवन जीने के लिए दी गई है, 5 से 25 साल की उम्र। तो ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी शब्द का मतलब क्या है, जो ब्रह्म में चरण करे उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। अब ब्रह्म क्या है, परम भगवान परम ब्रह्म है, अब वो परम ब्रह्म के संबंध में जो जीवन जिए उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। उसका एक ही काम है, क्या काम है, भगवान को जानने के लिए शास्त्र अध्ययन करना, सेवा करना, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, ये ब्रह्मचारी की लाइफ कहलाती है। तो 5 से कितने समय तक बोली गई है, 25 साल। अब 25 से 50 साल के लिए कहा गया है ग्रस्त जीवन, 25 से 50 साल तक क्या बोला गया है, ग्रस्त जीवन। अब इस 25 साल में क्या करना है, पैसा कमाना है, परिवार बनाना है, संतान आदि जो भी करना है, ये 25 साल बस। अब 50 के बाद कौन सा साल आता है, क्या कौन सा साल आता है 50 के बाद, 51 शब्द लगा कि नहीं, तो यानी कि वन में जाना है 50 के बाद, किधर, वन में जाना है, अभी घर में नहीं रहना, 51 है ना। तो 50 मतलब अभी आस है, अभी आस है, लेकिन अब 51 मतलब अब आस छोड़ दो, अब वन की तरफ प्रस्थान करो, कौन सा वन, वृंदावन है ना, अभी वृंदावन वन, वो भी वन है, वृंदा का वन, तुलसी का वन, वृंदा देवी का वन। तो 51 से 75 साल तक वानप्रस्थ कहा गया है, इसमें तपस्या का जीवन आरंभ हो जाता है, सादगी का जीवन। और इसमें क्या है कि बस एक ही काम, भगवान को जीवन का केंद्र बनाकर जीवन जियो। ये क्या कहा गया, 51 से 75। अब 75 से 100 पुरुष के लिए संन्यास बोला गया, ये क्या हुआ, अब सिर्फ देखो पैसा कमाने के लिए कितने साल दिए बस, और हम क्या, हम किधर, वो 20 साल से शुरू होते हैं और आखिरी सांस तक लगे होते हैं, 20 साल से लेके आखिरी सांस तक। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इसीलिए अब क्या होगा, जब आप भौतिक जीवन में इतना लिप्त रहोगे, अब प्रकृति का नियम तो काम करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप पैसे से प्रकृति के नियम को बदल दोगे, ये तो हो नहीं सकता। अब प्रकृति का नियम तो काम करेगा, वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था के बाद तथा देहांतर प्राप्तिर, अब दूसरी देह में जाना होगा, देह त्यागना होगा। अब जो जीवन भर मन में डाला है वही तो याद करोगे अंत समय में, किधर अंते नारायण स्मृति होगी, जब जीवन भर किया ही नहीं नारायण का स्मरण, जब नारायण के लिए जीवन भर कुछ किया नहीं, तो अंत में अपने आप थोड़ी याद आ जाएंगे नारायण, उनके लिए परिश्रम दिन में करना पड़ेगा ना जीवन में, जब परिश्रम ही इन इंद्रियों के लिए किया तो किधर नारायण का स्मरण होगा। तो जो हम जी रहे हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है।
और जिस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए ये हमने बिल्कुल पलट दिया है। और इसीलिए आप देखो आज के वर्तमान समय में पूरे विश्व भर के आंकड़े ये कह रहे हैं कि जितने लोग ज्यादा आज के समय में असंतुष्ट हैं, पहले के समय में इतने असंतुष्ट लोग कभी भी नहीं थे। फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं, कुंठित। जितने लोग आज के समय में चिंतित हैं, मानसिक रोगों के शिकार हैं, नाखुश हैं अपने जीवन में, इतने पहले कभी भी नहीं थे। क्योंकि आज के समय में हमने इन मानव जीवन के धर्म के नियमों को पूरी तरह से अवहेलना कर दिया। अरे ये विधि विधान है, ये विधि विधान है, ये कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको रोकने के लिए, आपको टोकने के लिए, आपकी स्वतंत्रता का हनन करने के लिए ये विधि विधान दी। जैसे मानो कभी पतंग उड़ाई आपने, कितने लोगों ने उड़ाई, हाथ खड़ा करना। अच्छा, माता ने नहीं उड़ा दी पतंग। ओके, तो पतंग उड़ाया आपने। अरे पतंग को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले है धागा बांधते हो उसमें, तो बांधते हो तो पतंग उड़ती है, तो उड़ने लायक बनती है ना बांधने पे। बांधते हो तो उड़ने लायक बनती है, अगर नहीं बांधो तो उड़ेगी क्या। तो उसी तरह से ये विधि विधान से बंधोगे तो आध्यात्मिक जगत में उड़ोगे। अरे पतंग को बांधते हो तभी तो उड़ती है, बिना बांधे थोड़ी उड़ जाती है। तो ये विधि विधान आपको बांध नहीं रहे, आपके बंधन को काट रहे हैं। बंधे तो हम हैं, बंधे तो हैं, तभी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहा गया। जन्म लिया तो मृत्यु ने भी जन्म ले लिया, ये बंधन नहीं है क्या, कि मरना पड़ेगा। कोई चाहता नहीं मरना लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा, रोक भी नहीं सकते उसको मृत्यु को। तो बंधे तो हैं हम, वृद्धावस्था से बंधे हैं। जीवन में अप्रत्याशित अवांछित कार्यों से, घटनाओं से बंधे हैं हम लोग। तो किधर स्वतंत्रता की बात करते हैं हम, कहते हैं बड़े इंडिपेंडेंट है, किधर है वो इंडिपेंडेंस बताओ। तो इतना तो बंधन हमारे जीवन के अंदर। तो इसलिए हम सब बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर आपके पास 50 साल का जीवन बचा है, रुक जाओ बस, अब और मत जाओ आगे, और मत भाग दौड़ करो, अब समय भगवान के स्मरण में लगा दो बस। इसे क्या कहते हैं आजकल, VRS, सुना आपने। VRS का मतलब क्या है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट। सरकारी लोग लेते हैं ना, कर्मचारी लोग कहते हैं VRS लेते हैं, ऐसा होता है। तो क्या करो, भौतिक जीवन से VRS ले लो, मतलब भौतिक जीवन से रिटायरमेंट लो और आध्यात्मिक जीवन में एक्टिव हो जाओ, आध्यात्मिक जीवन में सक्रिय हो जाओ और भौतिक जीवन के अंदर निष्क्रिय हो जाओ। बस जितना बेयर मिनिमम जीने के लिए आवश्यक है उतना ही करो बस। क्योंकि अगर आप भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए परिश्रम करोगे, समय तो उतना ही है 24 घंटे जी, समय तो 24 घंटे ही है आपके पास। अब उन 24 घंटों में आप भगवान का नाम ले लो, कथा सुन लो, शास्त्र पढ़ लो, उनकी अर्चना कर लो, भक्तों का संग कर लो, उनकी कोई सेवा कर लो, या तो वो कर लो या फिर धन एकत्रित करने के लिए रात दिन परिश्रम करते रहो। तो हमने अपने जीवन को बहुत जटिल कर दिया, एक्चुअली बहुत जटिल कर दिया। इसीलिए शास्त्र क्या सिखाता है, सादा जीवन और कैसा विचार, ऊंचा विचार। सादा जीवन और ऊंचा विचार, अरे सादे जीवन में ही ऊंचा विचार आता है। जब जीवन ऊंचा कर लोगे तो विचार सादा हो जाएगा। और सादा विचार का मतलब क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना सोना संतान उत्पन्न करना रक्षा करना, ये सादा विचार हो गया। क्योंकि हमने जीवन को ऊंचा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य जानेगा भाई इमरजेंसी चल रही है, बहुत कम टाइम बचा है। अभी परीक्षित महाराज को पता चला, जानते हैं आप परीक्षित महाराज को, पता चला क्या कि 7 दिन 7 रात में उनको मृत्यु आने जा रही है। अब क्या किया परीक्षित महाराज ने, ये जानने के बाद
अपने सब रिश्तेदारों को बुलाया, बोलो मैं 7 दिन बाद जाने वाला हूं, जिसने जिसने मेरे से लोन लिया सारा पैसा वापस करो, मेरे मरने के बाद तुमसे कौन निकालेगा पैसा, सब वापस करो। तो ऐसा तो नहीं करा उन्होंने, 7 दिन 7 रात, मृत्यु आने वाली है दिन के बाद, तो अभी क्या किया, सब कुछ इमीडिएटली त्यागा और चले गए सुखदेव गोस्वामी के पास, गंगा के तट पर उनसे मिले और उनसे प्रश्न किया, एक मनुष्य जिसको मृत्यु आने जा रही है उसको क्या करना चाहिए अपने जीवन, बताइए। ये परीक्षित महाराज अपने बारे में पूछ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हर समय भगवान के विषय में सुनना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं वो, जिस व्यक्ति को मृत्यु आने जा रही है उसको क्या करना चाहिए प्रश्न है, और उत्तर क्या दिया है, उसे हर समय हर पल हर क्षण भगवान के विषय में सुनाओ, उनका नाम जपवाओ और उनका स्मरण कराओ। लेकिन जब अब आज मृत्यु होने वाली होती है तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं उठा के, अरे भैया गया काम से, मरने ही नहीं देते, डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर पे चलाते रहते हैं क्योंकि हर दिन का बिल बनता है, मरने ही नहीं दे रहे होते उसे कि नहीं मरने देंगे, अरे हमारा रेवेन्यू लॉस है, ये मर गया तो अब वो किसी काम का नहीं होता शरीर। ये आज कलयुग की हालत है, अब वो इतनी सारी मशीनों से घिरा हुआ आईसीयू में, इतने सारे पाइप, कोई गर्दन काट के लगाया होता है, कोई किधर लगाया होता है, कोई किधर लगाया होता है, ना बोल सकता है क्योंकि वोकल कट गया, सब बोल तक नहीं सकता वो, ऐसी हालत में वो डरता हुआ भयभीत होता हुआ मरता है, बड़ा दुर्भाग्य की मृत्यु है जी। किधर जाएगा वो, कहां जन्म लेगा वो। और शास्त्र कहता है जब आप शरीर त्यागने जा रहे हो तो आपके पास सारा आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, ऐसे देह त्यागा जाना चाहिए। लेकिन आज कलयुग देखो क्या हो रहा है, वो आईसीयू में कोई जा भी नहीं सकता, आप चेक भी नहीं कर सकते उसको। तो रिसेंटली मुझे एक भक्त बहुत बीमार हो गए, आईसीयू में थे, मुझको बोला आप जाके मिलो, कभी भी चले जाएंगे वो। मैं गया उनको देखने के लिए, तो जाने नहीं दे रहे थे मुझको अंदर, तो उनके परिवार वालों का इनको जाने दो, इनसे बहुत मिलके खुश होंगे वो, बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने, बोला ठीक है 2 मिनट के लिए जाओ। मैं मंदिर से हार ले गया था उनके लिए भगवान का, तो मैंने हार डाल दिया उनके बेड पर डाल के, नर्स आई चला, अरे हार उतारो, हार कैसे डाल दिया तुमने इसको, उतारो ये हार, कैसे डाल दिया। अब वो जो अब वो भक्त बोल सकता नहीं था, उसको ऐसा गले में पाइप डाला हुआ था, लेकिन एक्चुअली वो एक्टिव था, उसने हार को ऐसे करके पकड़ लिया बोल तो सकता नहीं, ऐसे हार करके पकड़ के बैठ और गुस्सा करने लगा नहीं उतारो नर्स बोले उतारो अरे उतारो, ये इन्फेक्शन हो जाएगा तुमको वो बोला नहीं उतारूंगा तो ये हालत है आज। आप ऐसे व्यक्ति को भगवान का प्रसाद भी नहीं दे सकते हो, भगवान की कृपा भी नहीं दे सकते हो, ये है कलयुग जी। आज ऐसे मर रहे हैं हम, आज ये दुनिया की हालत है आज। ये कितना दुर्भाग्य का, जन्म तो दुर्भाग्य का लिया ही हमने, मर भी दुर्भाग्य के साथ ही रहे। तो कैसे युग में और कैसे लोगों के बीच में हम निवास कर रहे हैं, विचार कर देखिए। जिस समय ऐसे व्यक्ति को हर तरह से भगवान की कृपा से घिरा होना चाहिए, और उस समय वो अकेला जूझ रहा है मशीनों के बीच में, और वो हॉस्पिटल स्टाफ को क्या लेना देना, उसको कोई संवेदना थोड़ी हमसे, किसी से कोई लेना, उनका प्रोफेशन है। मैंने पूछा था एक 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 ओटी में, वो एम्स के अंदर एक भक्त है, वो ओटी के अंदर असिस्टेंट है, डॉक्टर को हेल्प करता है ऑपरेशन करने में। तो मैंने बोला जब शरीर खुलता है तो तुमको कैसा लगता है, नॉर्मल रोज देखता हूँ।
कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा पहली बार जब देखा तो क्या बोला, गिर गया था बेहोश होके। मैं जब पहली बार देखा मैंने क्या शरीर के अंदर है हालत, बोला अभी तो एकदम नॉर्मल हो गया है। एक और बक्स मिला था, मैं वो इधर काम करता था, इधर है ना दिलशाद गार्डन में एक बड़ा हॉस्पिटल, कौन सा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके शव गृह में काम करता था, पोस्टमार्टम करता था, डेड बॉडीज को खोलता है, सोला माला भी करता है। तो संवेदना खत्म हो जाता है एकदम। आप अपने परिवार के व्यक्ति को दुख में देखते हो तो आपको दुख होता है, आप उसका केयर करते हो। ये सब प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये क्या केयर करेंगे, इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए आपसे, कोई लेना देना नहीं उनको। तो इसीलिए अगर आप आज ये आरंभ ना करो अभ्यास, तो आपको लगता है आप शरीर त्यागते वक्त भगवान को याद कर पाओगे? असंभव, असंभव है। अगर इस प्रयास को आज नहीं करो आप, और वो भी गंभीरता पूर्वक ना करो जैसे ये कहा जा रहा है, अगर सिर्फ 50 साल बचे हैं तो बस अब छोड़ो सब कुछ और लग जाओ, तैयारी करो। ऐसा ही होना चाहिए, एक्चुअली यही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आखिरी सांस तक लगे हैं और बैंक की स्टेटमेंट देख रहे हैं, या देख रहे हैं वो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था कितना परसेंट बढ़ गया, कम बड़ा कि ज्यादा बड़ा, ये आखिरी सांस तक ऐसा नहीं चलना चाहिए हमारे जीवन में। तो इसका मतलब एक समय जीवन में आकर हमको त्यागना चाहिए, अब रोक लगा देना चाहिए, बस कर लिया जितना कर लिया, और क्या अभी क्या करते, भाग्य से था जितना मिला है, बस अभी क्या करोगे, कितना बढ़ा लोगे आप भाग्य को, जितना था मिला आप उसमें बाकी शेष जीवन भक्ति करते बिताओ, जीवन ऐसे जियो। तो इसीलिए ये मानव जीवन की सफलता होगी अगर हम ऐसा अपने जीवन में कर सकेंगे, तो इसका अभ्यास कर पाएंगे। तो आगे 9 विधियों का विवेचना आ रहा है यहां पर श्रीमद् भागवतम के रेफरेंस से। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। वैरायटी है 9 प्रकार की। श्रवण भगवान के विषय में जैसे अभी कर रहे हैं हम गीता से, कीर्तनम भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, कीर्तन करना, फिर स्मरणम, अरे जब आप सुनोगे नाम जप करोगे तो स्वाभाविक मन में भगवान का स्मरण आएगा। पाद सेवनम, ये शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, इस शरीर से सेवा करो, हाथ से सेवा करो, ये शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पाद सेवनम, अर्चनम, आरती करो, भोग लगाओ, अगर आपके पास विग्रह है तो श्रृंगार आदि करो। वंदनम, रोज सुबह उठ के भगवान का मंगला आरती गाओ, संसार दावनर, फिर नरसिंह आरती गाओ, तुलसी पूजा करो, वंदना करो। दास्यम, भगवान के सेवक की तरह जीवन जियो। साख्यम, भगवान की चिंता को अपनी चिंता बनाओ। क्या भगवान की चिंता, अरे सब जीव मुझे भूल के ही संसार में दुख पा रहे हैं, उनको जाओ और याद दिलाओ कि गीता पढ़ो, ये साख्यम होता है, भगवान की मित्रता हो गई आप, आपसे आप पार्टनर बन गए भगवान के, साख्यम। आत्मनिवेदनम, पूर्ण शरणागति स्वीकार करो। ये 9 भक्ति की विधि से हम भगवान का हमेशा स्मरण बनाए रख पाते हैं अपने जीवन में। तो आज इस विचार के साथ यहाँ विराम देते हैं। कोई प्रश्न है आपका आज के विषय से संबंधित तो अभी आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। भक्ति करते हुए भी संसारिक काम हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आना चाहिए कि सिर्फ भक्ति ही होना चाहिए। जैसे हमने जब वर्ण आश्रम की बात की, 5 से 25 और उसके बाद 25 से 50, तो 25 से 50 में ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दोगे बिल्कुल,
तो जैसे सैंडविच खाया कभी आपने? सैंडविच में एक ऊपर ब्रेड होता है, बीच में फिलिंग डालते हैं, फिर नीचे एक ब्रेड लगाते हैं ना, तो ऐसा करना चाहिए। मतलब सुबह उठो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, कथा करो, पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, फिर बीच में फिलिंग। आप विद्यार्थी हो तो पढ़ाई करने जाओ, और व्यवसायी हो तो अपना व्यवसाय करो, नौकरी करते हो तो नौकरी करो, गृहिणी हो तो घर के कार्य करो, फिर शाम को फिर संध्या आरती करो, शास्त्र पढ़ो, नाम जप करो। तो ये सैंडविच की तरह हो गया, इसे कहते हैं सैंडविच टेक्निक, समझे? तो एक माला का जाप करेंगे अभी। हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? तन्वी जी। अच्छा प्रश्न किया आपने। तो इनका प्रश्न है कि जो मांस खाएगा, ठीक है, जो ऐसे कुछ होते हैं कि जिसको देवता को बलि चढ़ाते हैं पशु की, तो उसको क्या प्राप्त होगा? नर्क प्राप्त होगा, किधर जाएगा? तो मांस शब्द कहां से आया, सुनो। एक जब बलि का विधान दिया गया ना शास्त्र में, तो उसमें कहा गया है पशु की जब बलि दी जाती है तो उसको एक मंत्र बोला जाता है। उसको क्या मंत्र बोलते हैं? मांस। मांस शब्द से मांस शब्द बना। मांस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इस जीवन में मैं तुम्हें मार रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे मार लेना। समझ में आ रही है बात? सुनाई दिया कि नहीं? कि इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूं और अगले जन्म में तुम मुझे मारना। तो इसका मतलब अगले जन्म में वो पशु क्या बनेगा? मनुष्य। और मनुष्य क्या बनेगा? पशु। समझे आप? ये बलि होती है। लेकिन कलयुग में इसका निषेध है। कलयुग में इसका निषेध है। निषेध का मतलब ये अलाउड नहीं है। हाँ, तो गीता के 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मांस को छूना भी अलाउड नहीं है, पकाना खाना तो बहुत दूर की बात है, उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए हमको, वो अनटचेबल है, अस्पृश्य कहा गया उसके लिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति मांस खाए वो तो गीता की शिक्षा का उल्लंघन कर रहा है, फिर वो सनातन धर्म का पालन किधर से हो गया, बताओ, है ना? तो इसीलिए आजकल पूरे विश्व भर में एक ही धर्म है, आप जानते हो क्या? इंद्रिय तृप्ति का धर्म। इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? चाहे पाप करो, कुछ भी करो, बस कैसे भी खुशी ढूंढो, यही धर्म रह गया पूरे संसार का, और कोई धर्म नहीं है। ठीक है, अभी माला का जाप करेंगे। देखो जो लोग पहले बार आए कैसे माला पकड़ते हैं, धागे के बाद वाला मन का पहला मन का ऐसे अंगूठा और दूसरी उंगली के बीच में आपको पकड़ना होता है ऐसे।